नमस्कार साथियों, आज हम लोग रिट पे चर्चा करेंगे। कुछ छात्रों ने इच्छा व्यक्त की कि रिट पे चर्चा की जाए, तो इसको आज लेते हैं रिट। इसको संविधान में बहुत अहमियत दी गई है, इस पूरे प्रावधान को, इस पूरे मैटर को, और इसको संविधान के मूल अधिकारों में स्थान दिया गया है, और इसको संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहा गया है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार बोला गया है कि भाई ये रिट्स जो हैं, ये संवैधानिक उपचार हैं। तो आइए पहले ये समझते हैं, इसके पहले कि हम लोग रिट पे चर्चा करें, ये समझते हैं कि संवैधानिक उपचार और आम उपचार अर्थात साधारण उपचार में फर्क क्या होता है। उपचार का मतलब होता है अगर हमें कोई कष्ट है, अगर हमें कोई परेशानी है, तो उसके लिए हम कहीं जाके उसका समाधान ढूंढें। और संवैधानिक उपचारों का जो संदर्भ हमारे संविधान में लिया गया है, वो मौलिक अधिकारों के अध्याय में लिया गया है, अनुच्छेद 32 में लिया गया है। अब जैसा कि आप सभी जानते होंगे, तो अनुच्छेद 32 में जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है, जिसको कि रिट कहा गया है, निदेश आदेश या रिट कहा गया है, डायरेक्शन ऑर्डर और रिट कहा गया है, ये हम सुप्रीम कोर्ट से प्राप्त करते हैं अर्थात सर्वोच्च न्यायालय से प्राप्त करते हैं। तो बेसिक चीज ये है कि अगर हमें उपचार चाहिए, तो संविधान मौलिक अधिकारों के लिए विशेष रूप से हमें एक आउटलेट देता है, जिसको कि संवैधानिक उपचार कहा जाता है। और संवैधानिक उपचार का जो स्तर है, वो इसलिए और बेहतर है, इसलिए श्रेष्ठ माना जाता है कि वो हमें सीधे सर्वोच्च न्यायालय तक जाने की इजाजत देता है। आपको तमाम उपचार प्राप्त हैं, बहुत सारे जो कानून हैं, जो सिविल और क्रिमिनल मैटर्स में या किसी भी मैटर में, व्यापार के संबंध में या शिक्षा के संबंध में या और किसी संबंध में, जो भी असंख्य अधिकार नागरिकों को विभिन्न कानूनों से प्राप्त हैं, उन सारे के सारे अधिकारों को लागू करवाने के लिए हमारे पास एक जुडिशियल उपचार होता है। और उसी में हमारी आस्था है कि अगर हमारे कानूनों का, अगर हमारे अधिकारों का संरक्षण हमें कराना है, तो हमको ये समझ में आता है कि हमको एक उपचार न्यायिक उपचार के रूप में प्राप्त है और हम न्यायपालिका में जाते हैं। लेकिन जो सामान्य अधिकार हैं, उन सामान्य अधिकारों के संरक्षण के लिए हमको अपनी कार्यवाही निचली अदालत से शुरू करनी पड़ती है। हमको एक स्थानीय स्तर पर जाके, और जो नीचे की न्यायालय, जिनको हम सबॉर्डिनेट जुडिशरी कहते हैं, निचली अदालतें कहते हैं, मुंसिफ मजिस्ट्रेट के न्यायालय से हमें मामला शुरू करना पड़ता है, या उसके भी नीचे अगर कोई अदालत है तो वहां से शुरू करना पड़ता है, जैसी कानून में व्यवस्था हो। तो हमें निचली अदालतों से धीरे 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 धीरे, अगर हमें न्याय नहीं मिलता है, तो हमें ऊपर की अदालतों में जाना पड़ता है। ये एक नॉर्मल हमारे उपचार है, नॉर्मल जो हमको रेमेडीज प्राप्त है, जुडिशियल रेमेडीज, वो ये प्राप्त है। तो बेसिकली जब अनुच्छेद 32 की बात आती है, तो अनुच्छेद 32 भी आपको एक जुडिशियल रेमेडी ही देता है। लेकिन उस जुडिशियल रेमेडी में खासियत क्या है कि ये आपको सीधे सर्वोच्च न्यायालय जाने की इजाजत देता है। ये नहीं कहता कि पहले आप निचली अदालतों से शुरू करते हुए और ऊपर की तरफ अपील करते हुए जाइए। ये कहता है कि नहीं, अगर आपके मौलिक अधिकारों का हनन होता है, तो मौलिक अधिकारों का हनन अगर आपका हुआ है, तो उसके संरक्षण के लिए आप सीधे सुप्रीम कोर्ट में जाके अनुच्छेद 32 के अंतर्गत एक रिट दायर कर सकते हैं, जो विभिन्न प्रकार की होती है, जिसका हम लोग किसी अन्य वीडियो में उल्लेख करेंगे। लेकिन आज हम लोग ये समझेंगे कि ये जो रिट है, ये रिट वास्तव में कितना महत्वपूर्ण है। डॉक्टर अम्बेडकर तो इस प्रावधान को, अनुच्छेद 32 को लेके इतने ज्यादा उत्साहित थे, इतने ज्यादा वो इंथ्यूजियास्टिक थे, ऑप्टिमिस्टिक थे, कि उन्होंने तो यहाँ तक कह डाला कि अनुच्छेद 32 जो है, संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार है, वो हमारे संविधान की हृदय और आत्मा दोनों ही है। तो इसी से आप इसका अनुमान लगा सकते हैं कि स्वयं डॉक्टर अम्बेडकर ने
अनुच्छेद 32 को कितनी अहमियत दी है और उसको हमारे पूरे संविधान की हृदय और आत्मा की संज्ञा देकर उन्होंने ये सुनिश्चित करने या उन्होंने संकेत देने का कोशिश किया है कि वास्तव में भारतीय संविधान में हम लोग जिन अधिकारों के लिए तरसते थे इंग्लैंड के शासन में, वो सारे के सारे अधिकार हमको भारतीय संविधान में प्राप्त हैं, और अगर किसी ने भी उस संविधान पे प्राप्त अधिकारों पे हनन करने की कोशिश की तो उसका संरक्षण करने के लिए प्रत्येक नागरिक को ये अधिकार दिया जाता है कि वो सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। इसीलिए अनुच्छेद 32 में जो रिट्स दिए गए हैं 5 प्रकार के, उन सभी के लिए आप सुप्रीम कोर्ट सीधे सीधे जा सकते हैं। ये तो पहली चीज है। लेकिन एक चीज जो विशेष रूप से आपसे बतानी है वो ये बतानी है कि बहुत सारे छात्रों को केवल अनुच्छेद 32 का संज्ञान वो लेते हैं कि अनुच्छेद 32 का संज्ञान लेके साहब हमको संवैधानिक उपचारों का अधिकार मिला हुआ है, लेकिन नहीं, आपके संविधान में 2 प्रावधान हैं जो आपको फंडामेंटल राइट्स के इन्फोर्समेंट के लिए सीधे इस प्रकार रिट के माध्यम से उच्च न्यायपालिका में जाने का अधिकार देते हैं, और एक है अनुच्छेद 32 और एक है अनुच्छेद 226। ये दोनों इसलिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं क्योंकि ये दोनों बिल्कुल एक भारतीय संविधान में एक क्रांति कर देते हैं, और वो क्रांति मैं अभी आपको बताता हूं कि इन्होंने क्या क्रांति की हुई है। अनुच्छेद 32 तो किसी भी नागरिक को, चाहे वो पूरे देश में कहीं भी रह रहा हो, चाहे वो केंद्र शासित राज्य में रह रहा हो, किसी राज्य में रह रहा हो, दूर के पास के कहीं भी रह रहा हो, उसको मौलिक अधिकारों के संरक्षण के लिए सुप्रीम कोर्ट सीधे आमंत्रित करता है कि भाई सुप्रीम कोर्ट में आप जाके अपने अधिकारों के संरक्षण के लिए आप वाद दायर कर सकते हैं, कोई रिट दायर कर सकते हैं, जो भी रिट आप समझते हो कि आपके लिए मुफीद है उस रिट को आप जाके सुप्रीम कोर्ट में दायर कर दीजिए और कहिए कि साहब हमारे अधिकारों का, मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है, इसका आप संरक्षण करने की कृपा करें। ये तो हुआ सुप्रीम कोर्ट की बात। लेकिन एक खास बात यहाँ पे ये ध्यान रखने की है कि फंडामेंटल राइट्स या मौलिक अधिकारों के अलावा आप किसी भी चीज के लिए सर्वोच्च न्यायालय नहीं जा सकते। ये इसमें एक बंदिश भी लगाई गई है। ऐसा नहीं कि छोटी मोटी कोई भी चीज हो आप उसको लेके सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाइए। तो ये भारतीय संविधान में एक बहुत ही अधिकार भी है और बंदिश भी है कि नागरिक जा तो सकता है मौलिक अधिकारों के संरक्षण के लिए सुप्रीम कोर्ट, लेकिन मौलिक अधिकारों के संरक्षण के अलावा वो किसी अधिकार के संरक्षण के लिए सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकता। अनुच्छेद 222 तो ये तो सुप्रीम कोर्ट में आपको सीधे जाने की इजाजत देता है, और अनुच्छेद 226 226 ये हाई कोर्ट्स को अधिकार देता है, जिस तरह से 200 ये अनुच्छेद 32 का प्रयोग करके आप सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, और सुप्रीम कोर्ट के कोई अधिकार है कि वो आपके अधिकारों के संरक्षण के लिए रिट जारी करे, बिल्कुल वही अधिकार हाई कोर्ट को भी प्राप्त है अनुच्छेद 226 के अंतर्गत। लेकिन अब मजेदार बात यहां पे ये है कि हाई कोर्ट का जो अधिकार है आपके अधिकारों को संरक्षित करने का, वो सुप्रीम कोर्ट से भी ज्यादा है। और आप पूछेंगे सुप्रीम कोर्ट से कैसे ज्यादा है? अभी मैंने आपको बताया कि सुप्रीम कोर्ट आप अपने अधिकारों के केवल मौलिक अधिकारों के लिए संरक्षण के लिए जा सकते हैं, अन्य किसी अधिकार के संरक्षण के लिए नहीं जा सकते। लेकिन ये बंदिश आर्टिकल 226 हाई कोर्ट पे नहीं लगाता, और हाई कोर्ट से ये कहता है कि कोई भी नागरिक अपने मौलिक अधिकारों के संरक्षण के लिए सीधे हाई कोर्ट जा सकता है और किसी अन्य प्रयोजन के लिए भी हाई कोर्ट जा सकता है, फॉर एनी अदर purposes, अर्थात यू कैन मूव टू द हाई कोर्ट फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ योर फंडामेंटल राइट्स थ्रू रिट्स और फॉर एनी अदर purposes। अब ये देखिए जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा, ये आर्टिकल 226 कह रहा है कि एनी अदर purposes,
ये अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है, अर्थात अन्य किसी प्रयोजन के लिए भी आप हाई कोर्ट में जा सकते हैं, सीधे जा सकते हैं। तो बहुत सारे भारत में नागरिकों को ये नहीं पता है कि वो अपने मौलिक अधिकारों के लिए तो हाई कोर्ट भी जा सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं, लेकिन ज्यादातर लोगों को यही पता है कि अगर और कोई मसला हो, अर्थात साधारण अधिकारों का कोई इन्फोर्समेंट का मसला हो, तो उन्हें निचली अदालत से ही शुरू करना पड़ेगा। नहीं, ऐसा नहीं है। अनुच्छेद 226 के अंतर्गत आप देखिएगा आर्टिकल 226 को, 226 के अंतर्गत आप हाई कोर्ट किसी भी चीज के लिए, अगर आप हाई कोर्ट को संतुष्ट कर सके कि वो महत्वपूर्ण है आपके लिए, और क्योंकि फॉर एनी अदर पर्पजेस को कोई डिफाइन नहीं किया गया है कि एनी अदर पर्पजेस क्या होना चाहिए, आपको लगता है कि वो पर्पज आपके जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, आपके अधिकारों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, आपकी गरिमा के लिए महत्वपूर्ण है, आपके व्यक्तित्व के लिए महत्वपूर्ण है, आपके विकास के लिए महत्वपूर्ण है, पूरे समाज के लिए महत्वपूर्ण, किसी भी चीज के फॉर एनी अदर पर्पजेस आप हाई कोर्ट जा सकते हैं। हाई कोर्ट भी कोई निचली अदालत नहीं, हाई कोर्ट भी सुपीरियर जुडिशरी है और लगभग राज्यों में उसका वही स्टेटस है जो कि सुप्रीम कोर्ट का पूरे देश में है। तो इस प्रकार से जो हाई कोर्ट्स होते हैं वो भी एक प्रकार से राज्यों की सर्वोच्च अदालतें हम कह सकते हैं कि हैं, और अपने राज्य के क्षेत्राधिकार में वो, हाँ बंदिश क्या है बस केवल कि हाई कोर्ट में पूरे देश का आदमी नहीं जा सकता। जैसे सुप्रीम कोर्ट में पूरे देश का आदमी जा सकता है फंडामेंटल राइट के इन्फोर्समेंट के लिए, लेकिन हाई कोर्ट में केवल और केवल हाई कोर्ट के क्षेत्राधिकार के नागरिक ही जा सकते हैं। अर्थात कोई हाई कोर्ट अगर उत्तर प्रदेश से संबंधित है, जैसे इलाहाबाद हाई कोर्ट और लखनऊ हाई उसकी बेंच, तो उत्तर प्रदेश का नागरिक ही वहां पे जा सकता है अपने अधिकारों के फंडामेंटल राइट्स के लागू कराने के लिए या अन्य किसी प्रयोजन के लिए। वहां बिहार का कोई नागरिक नहीं जा सकता, वहां मद्रास का कोई नागरिक, तमिलनाडु का नहीं जा सकता, केरल का नहीं जा सकता, उसको केरल के हाई कोर्ट में जाना पड़ेगा, उसको मद्रास तमिलनाडु के हाई कोर्ट में जाना पड़ेगा, उसको बिहार के हाई कोर्ट में जाना पड़ेगा। तो इस प्रकार से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मसला है और हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि रिट जारी करने में हाई कोर्ट का अधिकार सुप्रीम कोर्ट से ज्यादा है। ये एक अपने आप में भारतीय संविधान में एक बड़ी चौंकाने वाली चीज है। नॉर्मली तो जो नीचे के संस्थाएं होती हैं उनके अधिकार कम और ऊपर की संस्थाओं के अधिकार ज्यादा होते हैं, लेकिन हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जहां तक रिट इशू करने का सवाल है, उस रिट इशू करने के सवाल में हम ये देख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का अधिकार कम है और हाई कोर्ट का अधिकार ज्यादा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट केवल आपके मौलिक अधिकारों के लिए ही रिट इशू, संरक्षण के लिए ही रिट इशू कर सकती है, जबकि हाई कोर्ट मौलिक अधिकारों के संरक्षण के साथ साथ अन्य किसी भी प्रयोजन के लिए आपके पक्ष में रिट इशू कर सकती है। तो ये अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है जो ध्यान रखिएगा। अब ये जरूर है कि हम लोग ये आज फौरी तौर पे जान लें कि रिट कितने प्रकार के होते हैं। देखिए रिट नॉर्मली पांच प्रकार के होते हैं। एक होता है बंदी प्रत्यक्षीकरण, बंदी प्रत्यक्षीकरण ये पहला तरह का रिट होता है। दूसरा रिट होता है परमादेश। तीसरा होता है प्रतिषेध। चौथा होता है अधिकार प्रेक्षा। और पांचवा होता है उत्प्रेषण। ये पांचों प्रकार के रिट हाई कोर्ट भी जारी कर सकता है और पांचों प्रकार के रिट सुप्रीम कोर्ट भी जारी कर सकता है। और इन रिटों को जारी करके हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट आपके मूलतः आपके मौलिक अधिकारों की रक्षा करते हैं, लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि हाई कोर्ट चाहे तो इसमें मौलिक अधिकार के साथ साथ आपके किसी सामान्य अधिकार की भी रक्षा कर सकता है। तो अगर कभी आपसे कोई प्रश्न पूछा जाए कि क्या कोई ऐसी भी परिस्थिति पैदा हो सकती है जिसमें मौलिक अधिकार के अलावा भी रिट इश्यू हो सकते हैं हाई कोर्ट के द्वारा, तो आपका उत्तर होगा यस,
क्यों? क्योंकि अनुच्छेद 226 में फॉर एनी अदर पर्पजेज, फंडामेंटल राइट के इन्फोर्समेंट के लिए भी हाई कोर्ट को अधिकार है, और फॉर एनी अदर पर्पजेज अर्थात अन्य किसी प्रयोजन के लिए भी रिट इश्यू करने का अधिकार है। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट के संदर्भ में यह प्रश्न आए तो उसका उत्तर होगा नो। सुप्रीम कोर्ट को केवल और केवल मौलिक अधिकारों के संरक्षण के लिए ही रिट इशू करने का अधिकार है। हाई कोर्ट को मौलिक अधिकारों के लिए भी रिट इशू करने का सवाल है का अधिकार है, और अन्य किसी प्रयोजन के लिए भी अर्थात किसी सामान्य अधिकार के संरक्षण के लिए भी उसको रिट इशू करने का अधिकार है। इसलिए रिट के संबंध में हाई कोर्ट के अधिकार व्यापक है सुप्रीम कोर्ट के बनिस्पत। तो हम लोग फिर आगे किसी वीडियो में इनके जो प्रकार है विभिन्न प्रकार के रिट पे उस पर चर्चा करेंगे। थोड़ा वो टेक्निकल है, उसको हम लोग समझेंगे, लेकिन इतनी बात अपने जहन में आज की तारीख में आप बैठा दीजिए, और इस संबंध में अगर कोई प्रश्न हो तो जरूर हमसे पूछिएगा कमेंट बॉक्स में। थैंक यू वेरी मच।